मथुरा के थाना जमुना पार इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 104 के पास एक खड़ी बस और टैंकर की टक्कर में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद घटना पर कोहराम मच गया। थाना जमुना पार इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे पर डीजल के कारण खड़ी एक बस की एक तेजी से आते टैंकर से टक्कर होने की वजह से हुई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये बस बिहार से चलकर दिल्ली जा रही थी। घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। ट्रक की भिड़ंत हो गई जिसमें 4 लोग फटल हो गए हैं और 4-5 लोग कैजुअल्टी हैं। कैजुअल्टियों को तुरंत हॉस्पिटल भेज एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल भेज दिया है। JP कंपनी की एम्बुलेंस प्लस 108 की 2 एम्बुलेंस की मदद से उनको हॉस्पिटल भेज दिया है और जो फटल हुए हैं उनको 108 एम्बुलेंस की मदद से मथुरा हॉस्पिटल भेज दिया है। क्या पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है? हाँ, पुलिस मौके पर पहुंच गई है। 112 की पुलिस पहुंची है, टोल प्लाजा मथुरा की पुलिस पहुंची है, टोल प्लाजा मथुरा इंचार्ज पहुंचे हैं। ये घटना का कारण क्या रहा है? घटना का कारण बस जो है उसका तेल खत्म हो गया था, बस ग्रीन शोल्डर पर खड़ी थी और ट्रक जो पीछे से आया वो नींद में था, उसने पीछे से बस में ठोक दिया। तो मोहम्मद फारूक है, कटिहार जिले से बिलोंग करता हूँ, सिसिया पंचायत बराड़ी प्रखंड। तो ये घटना जो हुई थी वो क्या घटना हुई, कैसे हुई? सर हम लोग यहाँ से मतलब आ रहे थे, गाड़ी का अचानक पेट्रोल ख़त्म हो गया। ड्राइवर यहाँ पे गाड़ी रोका, बोला भाई यहाँ पे आधा घंटा रुको, यहाँ से जो है 5 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है, ठीक है, हम जाएंगे वहाँ से तेल लेके आएंगे, उसके बाद जाएगा गाड़ी यहाँ से। तो ये ड्राइवर क्या किया, साइड में गाड़ी लगा दिया। साइड में गाड़ी लगाने के बाद जो है क्या होता है, ड्राइवर चला गया पेट्रोल लाने के लिए, तो आदमी लोग जो क्या 2-4-5 आदमी निकल के बाहर में हवा हवा लगा रहा था साइड में खड़े होके। इतने में क्या हुआ, हम भी आगे केबिन में बैठे हुए थे, ठीक है, पीछे से आया गाड़ी, वो बड़ी वाली ट्रक जो देख रहे, पीछे से आया और धक्का मार दिया। जो पीछे आदमी था और वो केबिन के नीचे जो पीछे धक्का मारा, नीचे से आदमी गिरा, जो अंदर बैठा था आदमी नीचे से गिरा। मतलब 7-8 बंदे हमारा घायल हुआ, 3 बंदे एक्सपायर कर गए अभी स्पॉट डेट में, ठीक है सर। बस यही है, जो बंदे एक्सपायर कर गए उसको जल्दी से जल्दी बढ़िया बढ़िया से बढ़िया। तो ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी सर कटिहार जिले से जगदेशपुर पंचायत से पेट्रोल पंप से निकला है। कहाँ जा रही थी ये? दिल्ली जा रही थी, द्वारका। कितनी सवारी थी इसमें? आज सुबह लगभग 7:15 बजे यमुना एक्सप्रेस वे पर डीजल नंबर 105 के पास कटिहार से दिल्ली जा रही एक बस जो डीजल खत्म होने के कारण रोड के किनारे खड़ी थी, पीछे से एक कैंटर चालक ने उसमें टक्कर मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, 8 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।